वेलकम टू सी शिक्षा। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 तक मैथमेटिक्स का फिफ्थ चैप्टर, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज आज 5.4 को क्लियर करने वाले हैं। चलिए, निर्देशित गुणनफल परिकल्पित कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग गुणनफल याद करना है इसके लिए। चलिए इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो भी दिया गया है इसको लिखते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, ए माइनस बी, बी और ए, इसका हमको मल्टीप्लाइकेशन करना है ना। ए बी माइनस बी और ए का, चलिए तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए का ए के साथ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी का बी के साथ हो जाएगा, फिर इस ए का इस बी के साथ हो जाएगा, प्लस इस बी का ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा, प्लस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ और ए का मल्टीप्लाई ए के साथ। आगे स्टेप देखते हैं, यह हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी, उसके बाद यह हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस का प्लस होता है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। चूँकि ये प्लस माइनस है ये कटेगा, ये भी प्लस माइनस है कटेगा, इसके जगह में आ जाएगा आपका ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ज़ीरो, ये भी आपका हो जाएगा ज़ीरो। इसको क्रम से लिखेंगे तो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्रम से आप आगे पीछे कर सकते हो, तो ये रहेगा आपका आंसर। आपको क्या करना है, फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका रो इसका कॉलम, ऐसा मल्टीप्लाई होता है ए का ए के साथ बी का बी के साथ, बीच में जब जोड़ोगे तो प्लस का सिंबल आएगा। क्लियर, ये था आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसका भी सॉल्व करते हैं भाई। चलिए, हमारे पास दिया गया है, देखिए बेसिकली हमारे पास जो भी दिया गया है, दिया यहाँ पर वन टू थ्री, वन कॉलम है और थ्री रो है, टू थ्री फोर, यहाँ वन कॉलम थ्री कॉलम वन रो है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन इंटू टू, वन इंटू टू हो जाएगा और वन इंटू थ्री, वन इंटू फोर, ये हो जाएगा टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू फोर, यह हो जाएगा थ्री इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए यह हो जाएगा टू थ्री फोर, फोर सिक्स एट, सिक्स नाइन ट्वेल्व, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, वन टू जा वन प्लस हो जाता है, प्लस बेस पे करते हैं ना इसको हम लोग, वन का टू के साथ हो गया, जैसे यहाँ पर कर रहे थे प्लस के बेस पे, जैसे कि वन है बी है तो वन, फिर इसके साथ करते थे, फिर अगले वाले के साथ करते थे, फिर अगले वाले के साथ करते थे, तो यहाँ हो गया वन का टू के साथ, वन का टू के साथ, फिर टू का टू के साथ, थ्री का टू के साथ, वन का थ्री, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वन टू, वन टू माइनस टू, ये थ्री, इसके बाद यहाँ दिया गया है वन टू, टू थ्री, थ्री और वन, ये दिया गया है। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यह हो जाएगा वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू, फिर हो जाएगा वन इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री, इसके साथ फिर हो जाएगा वन इंटू थ्री प्लस हो जाएगा माइनस टू इंटू वन, इतना हो जाएगा। चलिए इसका करते हैं, टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू, टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री, टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन,
आगे देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 1 और माइनस 4 हो जाएगा, इसका 2 प्लस 3 टू जा 6, इसका हो जाएगा 2 माइनस 6, इसका हो जाएगा 4 प्लस 9, इसका हो जाएगा 3 माइनस 2, इसका हो जाएगा 6 प्लस 3। आके याद करते हैं इस चीज़ को, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 आ जाएगा, ये 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये रहेगा आपका आंसर मल्टीप्लाइकेशन में। क्लियर, चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दर्शाइए कि 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू इतने के बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो चलिए इनके लिए हम करते हैं। तो सर्वप्रथम इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर दिया है देखो 5 6 माइनस 1 7, यहाँ पर दिया गया है 2 3 1 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 5 × 2 प्लस माइनस 1 × 3, 5 × 1 प्लस माइनस 1 × 4 आगे हो जाएगा, 6 × 2 प्लस 7 × 3 ये हो जाएगा, 6 × 1 प्लस 7 × 4 आगे हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और माइनस हो जाएगा 3, 6 × 2 = 12 प्लस 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5 माइनस 4 × 1 = 4, 6 × 1 = 6 प्लस 7 × 4 = 28 ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 हो जाएगा और 21, और ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसका आ गया समीकरण नंबर 1। अब इधर को देखते हैं 2 3 1 4 और इधर है 5 6 माइनस 1 4। चलिए इस चीज़ का मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई, 2 × 5 प्लस 1 × 6, 2 × −1 प्लस 1 × 4 आगे है 3 × 5 प्लस 4 × 6 और 3 × −1 प्लस 4 × 4 आगे हो जाएगा, 5 × 2 = 10 प्लस 6 × 1 = 6, 3 × 5 = 15 प्लस 6 × 4 = 24 ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 × 1 = 4 माइनस 3 प्लस 4 × 4 = 16। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, देखिए भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 6 16, ये 5 प्लस 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 कहाँ बराबर नहीं है, इसलिए 5 6 1 माइनस 1 7 और 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 3 1 4 और यहाँ हो जाएगा 5 6 माइनस 1 4। क्लियर, यह था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के गुणनफल ए बी और बी एक अस्तित्व हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ए का दिया गया है 1 2 माइनस 2 3 और बी का दिया गया है 1 2 2 3 3 1। ए इंटू बी ज्ञात करते हैं भाई, 1 2 माइनस 2 3 ये हो जाएगा 1 2 2 3 3 1। आगे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 1 × 1 प्लस माइनस 2 × 2 1 × 2 प्लस माइनस 2 × 3 1 × 3 प्लस माइनस 2 × 1 ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2 ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3 ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 1 1 ये हो जाएगा माइनस 4 ये हो जाएगा 2 माइनस 6 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 6 4 प्लस 9 6 प्लस 4 आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 1 8 13
ये है आपका ए बी। इसमें भी अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि इसका स्तंभ इसके स्तंभ पंक्ति के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ए का अस्तित्व नहीं है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ए का वैल्यू दिया है हमारे पास 3 -1 -1 2 0 1, और बी का वैल्यू दिया गया हमारे पास 4 0 5 1 6 2। ए बी ज्ञात करते हैं हम लोग, 3 -1 -1 2 0 1, यह हो जाएगा 4 0 5 1 6 2। 3 × 4 + 2 × 0 फिर हो जाएगा 3 × 5 + 2 × 1, 3 × 6 + 2 × 2, -1 × 4 + 0 × 0, -1 × 5 + 0 × 1, -1 × 6 + 0 × 2, -1 × 4 + 1 × 0, -1 × 5 + 1 × 1, आगे हो जाएगा -1 × 6 + 1 × 2। आगे देखते हैं कितना आता है, चलिए इस चीज़ को 4 × 3 = 12, 12 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 + 2 = 17, 6 × 3 = 18, 18 + 4 = 22, यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा -5 - 6, यह हो जाएगा -4, -5 में 1 जाएगा तो -4 - 6 - 4, ये आपका ए बी हो गया भाई। अब बी ए निकालते हैं भाई, बी ए निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं इसका, 4 0 5 1 6 2, 3 - 1 - 1 2 0 1, 4 × 3 हो जाएगा 5 × -1 + 6 × -1, 4 × 2 + 5 × 0 + 6 × 1, आगे हो जाएगा 0 × 3 + 1 × -1 + 1 × -1, 0 × 3 1 × -1 2 × -1, फिर हो जाएगा 0 × 2 + 1 × 0 + 2 × 1, 4 × 3 = 12, 12 - 5 - 6, 0 - 1 - 2, 4 × 2 = 8 + 0 + 6, 0 + 0 + 2, आंसर आ जाएगा 12 × 11 = 1 × 3 × 8 = 14, 2, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के दर्शक के बीच नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी निकालते हैं, 1 2 3 3 - 1 0 - 1 - 1 - 1 × -2 - 1 - 6 3 2 9 - 1 - 1 - 4, आगे देखते हैं, यह हो जाएगा ए बी इक्वल टू
वन इंटू माइनस टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस सिक्स। उसके बाद हो जाएगा वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू नाइन। फिर हो जाएगा वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस टू, थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू सिक्स, वन इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, माइनस वन इंटू नाइन, वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस फोर। चलिए आगे देखते हैं, इसका टू का देखते हैं। टू इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू माइनस टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस सिक्स। ठीक, आगे देखते हैं, इसका देखते हैं। टू इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू नाइन। आगे देखते हैं, टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस फोर। आगे देखते हैं, थ्री इंटू माइनस टू प्लस जीरो इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस सिक्स। थ्री इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू नाइन। आगे देखते हैं, थ्री इंटू माइनस वन प्लस जीरो इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर। ए बी का वैल्यू को देखते हैं, देखिए यह हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, यह हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन प्लस सिक्स, यह हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस ज़ीरो प्लस सिक्स, यह हो जाएगा थ्री प्लस थ्री टू जा सिक्स माइनस नाइन, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू माइनस नाइन, नाइन प्लस ज़ीरो माइनस नाइन, यह हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री प्लस फोर, माइनस टू प्लस वन प्लस फोर, यह हो जाएगा माइनस थ्री ज़ीरो प्लस फोर इक्वल टू आ जाएगा ए बी। ए बी का कितना आ जाएगा, छः में पाँच जाएगा तो एक, छः नौ में जाएगा ज़ीरो, चार में चार तो ज़ीरो, छः एक सात में चार जाएगा तो तीन, और नौ दस ग्यारह में छः जाएगा तो ऋण पाँच, और चार पाँच, पाँच में दो जाएगा तो तीन, छः में छः जाएगा तो ज़ीरो, नौ में नौ जाएगा तो ज़ीरो, ये हो जाएगा एक। ए बी का वैल्यू इतना आ गया। चलिए अब बी ए का निकाल के देखते हैं, ए बी का तो इतना आ गया, अब बी ए का निकाल करके देखते हैं कितना आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप करके देखते हैं कि वास्तव में कितना आता है। इस चीज़ को लोग देखते हैं, चलिए अब इसका ए बी हो गया, अब बी ए करके देखते हैं। इसको बी ए निकाल के देखते हैं, बी ए उल्टा लिख लेते हैं बी का वैल्यू को। बी का वैल्यू कितना है, रीड दो रीड एक रीड छः, रीड दो रीड एक रीड दो रीड एक रीड छः। उसके बाद है तीन दो नौ, तीन दो नौ, तीन दो नौ। उसके बाद है रीड एक रीड एक रीड चार, रीड एक रीड एक रीड चार। और ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। और इसका बोले तीन रीड एक जीरो, तीन रीड एक जीरो, रीड एक रीड एक रीड एक रीड एक रीड एक रीड एक। ये आपका ए है, ये आपका बी का वैल्यू है। चलिए निकालते हैं भाई, रीड दो रीड एक रीड छः, तीन दो नौ, रीड एक रीड एक रीड चार। ये है एक दो तीन, तीन रीड एक जीरो,
रिडेक 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 आगे निकालते हैं। चलिए ये हो जाएगा ऋण दो गुणित एक धन तीन गुणित दो धन ऋण एक गुणित तीन। फिर हो जाएगा ऋण दो गुणित तीन धन तीन गुणित ऋण एक धन ऋण एक गुणित जीरो। फिर आगे हो जाएगा ऋण दो गुणित ऋण एक धन तीन गुणित ऋण एक धन ऋण एक गुणित ऋण एक। आगे देखते हैं ऋण एक गुणित एक धन दो गुणित दो धन ऋण एक गुणित एक धन दो गुणित दो ऋण एक गुणित तीन। फिर हो जाएगा ऋण एक गुणित तीन धन दो गुणित ऋण एक गुणित जीरो। फिर हो जाएगा ऋण एक धन दो गुणित ऋण एक धन ऋण एक। आगे हो जाएगा फिर देखते हैं आगे हो जाएगा ऋण छः गुणित एक धन नौ गुणित दो धन ऋण चार गुणित तीन। फिर हो जाएगा ऋण छः गुणित तीन धन नौ गुणित ऋण एक धन ऋण चार गुणित जीरो। चलिए आगे हो जाएगा ऋण छः गुणित ऋण एक धन नौ गुणित ऋण एक धन ऋण चार गुणित ऋण एक। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या होता है। ऋण दो ये हो जाए तीन दो निछाए ऋण तीन हो जाएगा माइनस वन वन जो वन टू टू जो फोर माइनस थ्री वन जो थ्री। ये हो जाएगा माइनस सिक्स वन जो सिक्स प्लस नाइन टू जो एटीन माइनस फोर थ्री जो ट्वेल्व। ये हो जाएगा माइनस प्लस वन माइनस थ्री टू जो सिक्स माइनस थ्री वन जो थ्री और माइनस ये हो जाएगा ज़ीरो। ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस ज़ीरो। ये हो जाएगा माइनस थ्री सिक्स थ्री जो एटीन माइनस नाइन माइनस ज़ीरो। ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस टू माइनस थ्री प्लस वन। ये हो जाएगा वन माइनस टू प्लस वन। ये हो जाएगा सिक्स माइनस नाइन प्लस फोर। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव वन आ जाएगा। इसका ज़ीरो आ जाएगा। इसका हो जाएगा बारह छः अठारह जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन। ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री ज़ीरो वन वन टू ज़ीरो और छः चार दस एक। देखिए इसका वैल्यू आया है। इसका वैल्यू कितना आया था वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री फाइव थ्री। इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल है बी ए। क्लियर ये था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं मूल्यांकन कीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव को मूल्यांकन ज्ञात करते हैं। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व दिया है हमारे पास इस तरीके से वन माइनस वन थ्री माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू वन और यहाँ पर दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आगे सॉल्व करते हैं यह हो जाएगा वन प्लस थ्री थ्री माइनस टू माइनस वन प्लस माइनस वन हो जाएगा। यह हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन। यह हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर वन माइनस टू माइनस थ्री। इसका हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आगे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा फोर इंटू वन प्लस वन इंटू टू। फिर हो जाएगा फोर इंटू थ्री प्लस वन इंटू फोर फोर इंटू फाइव प्लस वन इंटू सिक्स। इसके बाद हो जाएगा माइनस टू इंटू वन प्लस माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री प्लस माइनस थ्री इंटू फोर फिर माइनस टू इंटू फाइव प्लस माइनस थ्री इंटू सिक्स।
आगे हो जाएगा 4 प्लस 2, 12 प्लस 4, 20 प्लस 6, ये हो जाएगा -2 -6, -6 -12, -10 -15। आंसर आएगा 6 - 8, 12 16, 26 18, -28। ये रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे का देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेसिकली दिया गया है दिया है 1 0 2, -1 2 3, फिर यहाँ पर दिया गया है हमारे पास 1 2 0 0 2 1, माइनस ये दिया गया है 0 1 1 0 2 2। आगे देखते हैं इस चीज़ को, 1 0 2 -1 2 3, ये हो जाएगा 1 - 0, 1 - 0, 0 - 1 2 - 2, ये हो जाएगा 2 - 1, 0 - 0, 1 - 2, ये हो जाएगा आप लोगों का 1 0 2 -1 2 3, ये हो जाएगा 1 - 1 0 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 1 × 1 और प्लस -1 × 1, 1 × -1 प्लस -1 × 0, 1 × 0 प्लस -1 × -1, फिर हो जाएगा 0 × 1 प्लस 2 × 1, 0 × -1 प्लस 2 × 0, 0 × 0 प्लस 2 × -1, फिर हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 1, 2 × -1 प्लस 3 × 0, 2 × 0 प्लस 3 × -1, कितना हो जाएगा अब देखते हैं। देखो 1 - 1 1 - 1 - 1 - 0, 0 + 1, ये हो जाएगा 0 + 2 - 0 + 0, 0 + 0 - 2, ये हो जाएगा -2 + 3, ये हो जाएगा -2 + 0, ये हो जाएगा 0 - 3। आपका आंसर आ जाएगा 0 2 1 - 1 0 - 2, 1 - 2 - 3, ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं इसके बाद के एक्सरसाइज को, बाद के क्वेश्चन को। क्लियर? तब तक के लोग के बाय, हैव अ नाइस डे।